हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चिरंजीत, आप लोग देख रहे हैं एडिटर्सी में आपका स्वागत है। आप लोग अगर मैनिपुलेशन करते हो तो आपके लिए बैकग्राउंड को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एचडी क्वालिटी में सेव नहीं होता। आपके लिए मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा तो कौन से एप्लीकेशन के अंदर जो है बैकग्राउंड रिमूव करूंगा, एकदम एचडी क्वालिटी में बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो कौन से एप्लीकेशन में स्क्रीन पर जाके और प्ले स्टोर से भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं प्ले स्टोर को जाकर डाउनलोड कैसे कर सकते हो वो भी दिखा दूंगा। तो इस कमाल के वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देख लाइक। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए देता रहता हूं। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर में फॉलो नहीं किया वो भी कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सो मैं यहाँ पे फाइनल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो पहले क्या करना है, क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम आपका जो भी ब्राउज़र है वहाँ पे जाकर न्यू टैब ले लेना है। यहाँ पे लिखना है edit rc blogspot.com, ठीक है, edit rc.blogspot.com blogspot.com। उसके बाद सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है ऑटोडेस्क स्केचबुक सर्च करना है और डाउनलोड। कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है ऑटोडेस्क स्केच डाउनलोड पे। तो यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रॉल करके प्रेस डाउनलोड बटन फॉर डाउनलोड क्लिक हेयर। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। यहाँ से ऑटोडेस्क स्केचबुक जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मैं डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पे ओपन है। या प्ले स्टोर पे सिंपली जाकर यहाँ से ऑटोडेस्क स्केचबुक लिख सकते हो, AUTODESK ऑटोडेस्क लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना है पहले, उसके बाद कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे ओपन कर लिया मैंने, तो मैंने एक ऑलरेडी बैकग्राउंड जो है फ़ोटो को ऐड करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूँगा इस फ़ोटो को। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू फ्रॉम इमेज, यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेना है। तो मान लो कि मैं एक फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ गैलरी से। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो को जो है ओपन कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, टैप क्या ओपन हो जाएगी। इसको रोटेट भी कर सकते हो। और यहाँ पे साइज़, यहाँ पे लाइब्रेरी पे जाकर यहाँ पे एक लग्जरी टूल में लास्ट का दो नंबर को सिलेक्ट कीजिए। इसके अंदर डेडिकेटेड एक वीडियो है बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हो। कुछ इस टाइप से आपको बैकग्राउंड को जो है इस तरह से सिलेक्ट जो है कर लेना है। इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस वीडियो का लिंक, डेडिकेटेड जो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख सकते हो। इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। तो उसके बाद इसको आप बैकग्राउंड को रिमूव कर लीजिए पहले सिलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, देख सकते हो ये जो मैंने जहाँ तक सिलेक्ट किया उस साइड जो है बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो मैं इसी एप्लीकेशन से जो है सारे बैकग्राउंड को रिमूव करता हूँ।